रहमान रहीम, अल्लाह ताला के रहम करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो आज ये हमारा राया पीछे देख, ये फलियां निकाल रहा है, देखें ये फलियां इसे लगेंगी। तो आज ही हमने प्याज, जिसे ओनियन इंग्लिश में कहते हैं, उसकी काश्त करनी। तो वो हमने पहले उसका कन, हमारी जुबान में कन कहते हैं, वो लगाया हुआ है। तो अब खेलें बनाते हैं, फिर उसके बाद प्याज लगाएंगे हम। प्याज, लहसुन वगैरह सब्जियां जो होती हैं वो हम खुद काश्त करते हैं। तो आज हम आपको प्याज दिखाएंगे कैसे लगाते हैं। इधर चारा है और ये इतनी 10 मरले जगह, तकरीबन 10 मरले है ये काम में, अंदाज़ा ही है। इधर हमने प्याज लगाने, दादा बोर ताया खेलिए निकालने लगे हैं। इधर यूरिया खाद डाल दी गई है, यूरिया और डीएपी मिक्स करके, डीएपी नज़र नहीं आ रही होगी। इधर कनक है, ये जी खेलें बना ली गई, ये देख इसके ये दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ दगाने हैं। वो जो कन है उधर से ला के इतनी जगह है, यहाँ पे खेले बना ली, वो लाते हैं उसे वहाँ से। तो फिर वो वहाँ है तो वहाँ से दे के आते हैं, फिर यहाँ लगाते हैं, वहाँ से काट के इधर ला के एक एक करके दाना लगाना। तो ये है प्याज का बीज, जिसे हम कान कहते हैं। तो ये हमने लगाना इधर से, इधर से इसे निकाल के ने उतार इधर से, तो उधर जाके केला केला लगेगा ये। ये जैसे एक है ना, तो इसी को लैदर लाइन में लगाएंगे, खेलियां बना रहे हैं, खेलियां बना के ऊपर पर लगाते हैं। इधर से लेके जाएंगे और उधर वो जहाँ पे वहाँ पे लगानी है। तो ये जी इस तरह इसे पहले डंबे के साथ निकाल के फिर इसको साफ करते हैं, फिर इसके बाद इधर इकट्ठा किए जा रहे हैं और बाद में इसे जाके लगाएंगे। ये जी प्याज का बीज कान जिसे कहते हैं, तो अब इसको इधर लगा।
तो जी अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमने लगा लिए सारे। ये देख ये आजकल ये टाली है, टाली उसके ये पत्ते इसमें आ गए। तो आज ये प्याज सारे हमने लगा लिए तकरीबन 6। मतलब कल शाम ज़्यादा हो गई थी, अंधेरा हो गया, जिसकी वजह से मैं शाम के वक्त नहीं बना सका वीडियो जब हमने ये मुकम्मल किया। तो ये सारे अब वहाँ तक ये लग गए हैं प्याज। तो जी ये इससे अब तकरीबन 4 महीने लग जाने हमने तकरीबन मार्च या अप्रैल में, अप्रैल तक जाके ये प्याज बन जाएंगे। फिर हम इसे यहाँ से निकाल के घर ले जाएंगे और फिर जितनी देर हो सके उतनी देर इस्तेमाल करेंगे अपनी, जो भी मतलब कि अगर वो सालन बनाना उस वक्त में जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है तो ये हम खुद काश करते हैं। वो जो उधर वो सब्जियाँ हैं सर्दियों की उधर, उसमें लहसुन गाजरें मूलियाँ वगैरह वो उगा है। तो जी ये फाइनली ये देखें अब ये इसने अब ये इधर लग गया है। इसने अब जड़ें अपनी पहले मोटे करनी, फिर वहाँ पे प्याज बनेगा। ये सारे अब ये थोड़े थोड़े अभी ज़मीन पर हैं, जब ये अभी थोड़े के दिनों तक ये सारे इस तरह ने जैसे ये खड़ा हुआ हुआ है, जैसे ये खड़ा हुआ वैसे सारे खड़े हो जाए हो गए। ये जैसे ये अब छोटे ज़मीन पर लेटे हुए हैं ना, ये इस तरह खड़े हो जाएंगे ये जो। तो जी इधर ये हमारा गांव का मौसम, हर तरफ सब्जा ही सब्जा है इस इन दिनों में। जी फाइनली आज का व्लॉग, ये पीछे प्याज ये सारा यहाँ पे लग गए, ये इधर हमारा चारा। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह निगेबा।